इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15 तारीख को रिलीज होती है रेस 3, जिसमें भाईजान सलमान खान, बॉबी देओल, अनिल कपूर, साकिब सालिम, डेजी शाह, फ्रेडी दारुवाला और जैकलीन फर्नांडिस, अनिल कपूर साहब भी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स में है। इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिल रहा है दोस्तों। दर्शक कह रहे हैं कि भाईजान की एक्शन पैक फिल्मों में से सबसे बेहतर एक फिल्म है और वो है रेस 3। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सिंगल स्क्रीन थिएटर की ऑडियंस कितनी ज्यादा एक्साइटेड है फिल्म के लिए और वो फिल्म देखने के लिए गई और उन्होंने अपनी ईद मनाई फिल्म देखकर। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेकेंड दिन यानी कि 16 तारीख ईद वाले दिन कितना फिल्म बिजनेस कर सकती है बॉक्स ऑफिस इंडिया में। तो जो अर्ली एस्टिमेट मेरे सामने आ रहा है दोस्तों, वो 35 से लेकर 36 करोड़ तक का है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं ईद का मौका है तो बहुत सारे लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या वयस्क, हर कोई भाईजान की फिल्म देखकर अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहा है, अपनी ईदी बटोर रहा है। इस मौके पर मैंने आपको सिंगल स्क्रीन थिएटर की ऑडियंस का रिव्यू बताया जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और भाईजान के नाम के नारे लगा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं। वही मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को। अब दोस्तों देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि एक्चुअल अमाउंट कितना आता है, लेकिन मैंने अपना अर्ली एस्टिमेट बता दिया है दोस्तों। आपका क्या है अर्ली एस्टिमेट, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने इस फिल्मी आरा को जरूर बताना बॉस। एंड क्या लगता है आपको कि क्या 3 दिन के अंदर फिल्म 100 करोड़ के दायरे को क्रॉस कर जाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी बातें दिल खोल के रखिए और मेरे साथ ईद मनाइए, मतलब कि फिल्म के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं कि आपका अर्ली एस्टिमेट कितना है फिल्म सेकंड दिन यानी कि 16 जून को कितना बॉक्स ऑफिस इंडिया में बिजनेस करेगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में सारी बातें बोल दें। एंड इसी तरीके की चटपटी अपडेट्स मैं लाता रहूंगा राहुल भोज फिल्मी यारा।